गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यह है कैपिटल बजटिंग। इसी को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का जो टॉपिक है दैट इज कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होती है कैपिटल बजटिंग, कैसे कैलकुलेशंस करनी, क्या करनी, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो पहले तो समझते हैं कैपिटल बजटिंग होती क्या है। थोड़ा सा एक इनिशियल आउट ले लेंगे। बुक में पूरी डिटेल में थ्योरी भी दे रखी है जिससे आपको पता रहे। तो देखते हैं कैपिटल बजटिंग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अगर हम डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन दे रखी है। चार्ल्स टी हॉर्नग्रीन डिफाइंस कैपिटल बजटिंग एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंशियल प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। केलर एंड फेरेरा द्वारा जो डेफिनेशन दी है, कैपिटल बजटिंग रिप्रेजेंट द प्लान्स फॉर द अप्रोप्रिएशन एंड एक्सपेंडिचर फॉर फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग बजट पीरियड। रॉबर्ट एंड एंथनी द्वारा डिफाइन किया गया है, कैपिटल बजटिंग इज एसेंशियल अ लिस्ट ऑफ व्हाट मैनेजमेंट बिलीव टू बी वर्थ वाइल प्रोजेक्ट फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट टुगेदर विद देयर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोजेक्ट। सो व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में आप कोई प्रोजेक्ट को करें कि नहीं करें ये डिसीजन लेते हैं। अब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें आपका बेसिकली पैसा लगता है, उसे हम कैश आउटफ्लो कहेंगे, और पैसा आएगा वो हमारा कैश इनफ्लो कहेगा। ठीक है जी, चलिए ये थोड़ा सा थ्योरी दी है कैपिटल बजटिंग डिसीजन की। ज़रूरत क्या है, जब हम एक्सपेंशन करते हैं, बढ़ाते हैं अपना बिजनेस, रिप्लेसमेंट, कोई मशीनरी को रिप्लेस करना है, पुरानी मशीनरी हटा के नई मशीनरी लेनी है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, खरीदें या लीज पे लें, या रिसर्च डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपकी पूरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन बिगड़ सकती है। कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस क्या है, पहले तो जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, फिर है एवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये चार स्टेप्स हैं। एवेल्युएशन में हम देखते हैं कि एस्टीमेशन ऑफ कैश फ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो, कैश आउट इनफ्लो। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ एवेल्युएशन टेक्निक में ट्रेडिशनल मेथड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ठीक है, इस तरीके से हम कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये हमारी अप्रेजल मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम कैपिटल बजटिंग की जो मेथड्स हैं उनको लिख लेते हैं। ये दो पार्ट में बांट दी गई हैं। एक आपकी ट्रेडिशनल जो पुरानी मेथड है, और दूसरी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, या इसी को हम टाइम एडजस्टेड कहते हैं। ट्रेडिशनल में दो मेथड हैं, एक आपकी पेबैक पीरियड दूसरी आपकी ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में आपकी जो मेथड्स हैं वो पांच मेथड यूजुअली फॉलो होती हैं। एक आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू,
एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एक आपकी IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक आपकी MIIR मॉडिफाइड IR, और लास्ट है आपका डिस्काउंटेड पेबैक। अब हम इन मेथड्स को समझेंगे विद एग्जांपल्स, कैसे इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। सो पहले हम बात करते हैं पेबैक पीरियड की। पेबैक पीरियड में तो पहली मेथड अब हमारी क्या है, पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का मतलब है कि मेरा पैसा कितने पीरियड में वापस आ रहा है जो मैं पैसा लगा रहा हूं। तो यहां पर दो सिनेरियो हैं, When cash flows are uniform, हर साल एक सा पैसा आना है। दूसरा है when cash flows are not uniform। अगर cash flow uniform है तो payback period is equal to कैश आउटफ्लो अपॉन कैश इनफ्लो। बड़ा सिंपल, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो अपॉन कैश इनफ्लो। लेकिन अगर कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है देन कैलकुलेट क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नाउ, फाइंड आउट पेबैक पीरियड। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल से ही सारी चीजें आपको समझ में आएंगी स्लोली स्लोली। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 20 लैक्स, ठीक है, विच yield profit before tax 3 lakh rupees per annum, ठीक है, 3 lakh rupees per annum and tax percentage जो है वो आपका 50% है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम निकालेंगे कैश फ्लो। कैश इनफ्लो क्या होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। चलिए अभी थोड़ा एक लेक्चर हम कैश फ्लो पे भी देंगे, इसी के बाद दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारा 3 लाख, टैक्स है 50% है तो 1.5 लाख, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 1.5 लाख। इसमें मैं डेप्रिसिएशन की परसेंटेज भी लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन है 12.5% स्ट्रेट लाइन मेथड्स, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आ गया 2.5 लाख। 20 लाख का 12.5%,
कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये कितना हुआ, 4 लाख हुआ। सो पेबैक पीरियड कितना हुआ, 20 लाख रुपए आज आप लगा रहे हैं और हर साल आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, 5 ईयर्स, 5 साल का आपका पेबैक पीरियड होगा। ठीक है, अब इसी को मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब कैश पेबैक पीरियड आपका यूनिफॉर्म नहीं है तो लिखते हैं, सपोज प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 2 लाख एंड एस्टिमेटेड कैश फ्लोज आर ईयर कैश इनफ्लोज 1, 2, 3, 4, 4 साल में जो कैश फ्लोज आने हैं 80, 60, 60, 20, ये 4 कैश फ्लोज आने हैं। अब हमें इसमें कैश फ्लो निकालना है तो हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज ईयर 1, 2, 3, 4, कैश फ्लोज आपके हैं 80,000, 60,000, 60,000 and 20,000। ठीक है ना, सो क्यूमुलेटिव क्या होगा, क्यूमुलेटिव होगा 80, 1,40,000, 2 लाख, 2,20,000। अब आपने देखा कि हमारा थर्ड ईयर में क्या हुआ है, थर्ड ईयर में हमारा पूरा आउटफ्लो निकल आया। सो पेबैक पीरियड क्या हुआ, 3 ईयर, 3 साल। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, जब डिस्कस कर रहे हैं तो करते ही जाते हैं। सपोज सपोज इन दिस एग्जांपल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 2,10,000, 2 लाख की जगह 2,10,000 है, तो आप क्या करेंगे, ईयर 1, 2, 3, 4 कैश फ्लोज कितने हैं, 80, 60, 60, 20। सो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना है, 80, 1,40,000, 2,20,000। अब आपको बताने की ज़रूरत है कि ये 2,10,000 यहाँ कहीं पड़ेगा, तो कौन से पीरियड में, थर्ड और फोर्थ ईयर में। सो पेबैक पीरियड क्या होगा, 3 साल तो पूरे हो जाएंगे प्लस 10,000 रुपये का शॉर्टफॉल आ रहा है, कैसे निकाला, 2,10,000 माइनस 2 लाख, ये 3 साल का आउटफ्लो है, अपॉन ये फोर्थ ईयर का इनफ्लो है, तो 3.5 ईयर। ठीक है ना, 6 महीने लगेंगे चौथे साल में, अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पे हमारा पेबैक पीरियड कवर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स हमने पेबैक पीरियड में समझा कि भाई आपका कैश फ्लोज जब अलग अलग होता है तो कैसे करते हैं। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं और ये कंसेप्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कैश फ्लो का, कैश फ्लो, तो कैश फ्लो दो होंगे, एक कैश आउटफ्लो और एक कैश इनफ्लो, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि कैश फ्लो की जगह हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लो को निकाल रहे हैं तो सही वर्ड आएगा कि प्रोजेक्ट में कितनी कैश आउटफ्लो और कितनी कैश इनफ्लोज है, ठीक है जी। सो कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लोज में आप देखिए कि क्या क्या लेना होता है। देखिए कैश इनफ्लोज, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, यस, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम है। सो कैश इनफ्लो, इसी को हम कहते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये क्या होता है, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें डेब जोड़ दें तो ये आपका कैश इनफ्लोज बन जाता है। इसमें प्लस और एडजस्टमेंट होते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है जी। सो अब हम यहाँ से कैटेगरीज बनाते हैं कैश इनफ्लोज की और कैश आउटफ्लोज की। ये हमारी कैश आउटफ्लोज की बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम बात करते हैं कैश इनफ्लोज की, ठीक है। कैश आउटफ्लो में पहला है इनिशियल कैश आउटफ्लो जो शुरू में जाएगा। अब यहां पर भी दो डिसीजन है, पहला डिसीजन है फ्रेश प्रपोजल नया प्रपोजल है, और दूसरा डिसीजन है रिप्लेसमेंट प्रपोजल। ठीक है ना, अगर फ्रेश प्रपोजल है तो आपका जो कैश आउटफ्लो होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, या इसी को हम सेटअप कहते हैं, प्लस वर्किंग कैपिटल जो शुरू में आपको चाहिए, यह आपका कैश आउटफ्लो कहलाएगा। अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन है तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन या सेटअप कॉस्ट। अब चूंकि ऑलरेडी रिप्लेसमेंट डिसीजन है, इसका मतलब पहले से प्रपोजल चल रहा है, तो हो सकता है इंक्रीज वर्किंग कैपिटल में चेंज आए, ठीक है जी, लेस सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड एसेट्स प्लस और माइनस टैक्स या टैक्स सेविंग ऑन
अब ये चीज़ क्या है ये समझा देते हैं। सपोज करिए हमने पुरानी एसेट्स बेची, अब वो पुरानी एसेट्स हमारी बुक में 50,000 की है, बेची हमने 20,000 की है, तो हमें 30,000 रुपये का लॉस होगा। तो जब लॉस होगा तो हमें उससे टैक्स की बेनिफिट होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो जितना भी प्रॉफिट होगा सेल पर उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके इम्पैक्ट को भी हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैश इनफ्लोस की। तो यहां पर भी अगर नया प्रपोजल है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस इंक्रीज प्लस में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर ये रिप्लेसमेंट प्रपोजल है तो रिप्लेसमेंट के केस में क्या होगा, हमारे पास थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, नेट चेंज इन रेवेन्यू, इसमें से हम कम करेंगे नेट चेंज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा नेट चेंज इन बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नेट चेंज इन टैक्स आएगा दिया जाएगा नेट चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर इसमें हम ऐड करेंगे नेट चेंज इन डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा कैश फ्लो आ जाएगा। अब होता क्या है कि नेट चेंज बार बार इसलिए बोल रहे हैं, नेट का मतलब ओल्ड वर्सेस न्यू में जो चेंज आ रहे हैं वो लिखना है। थर्ड ईयर में ये जो टर्मिनल ईयर होता है या इसी को हम लास्ट ईयर बोलते हैं, लास्ट ईयर में जो होता है इनके अलावा फाइनल सेल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट्स जो एसेट्स से रियलाइज होगा प्लस ये वाला जो कैश फ्लो है ये आ जाएगा ठीक है जी। प्लस और माइनस टैक्स सेविंग या टैक्स ड्यू टू सेल ऑफ एसेट्स, और जो लास्ट है आपने ये जो वर्किंग कैपिटल जो लगाई थी वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। ये बच्चे भूल जाते हैं, इस पे स्टिक लगा लो, वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक कैश फ्लो का पूरा एक टॉपिक ही समझा दिया, इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे होगा, ठीक है ना। इनफ्लोज में इनिशियल में रिप्लेसमेंट,
आउटफ्लो नॉर्मली शुरू में ही हो जाता है, अगर बाद में भी आउटफ्लो है तो हम वो ले लेंगे इसमें, ठीक है जी। चलिए तो अभी हमने पेबैक पीरियड समझा था, कैश फ्लो के हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं समझने के लिए। चलिए कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि कैश फ्लो पूरा एक टॉपिक ही कवर हो जाएगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनसे आपको पूरी एक डिटेल्ड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग मैटर्स फिटेड इन द डेजर्ट कूलर, इट्स एनुअल टर्नओवर इज 30 करोड़ एंड कैश एक्सपेंसेस टू जनरेट दिस सेल्स आर 25 करोड़। सपोज एप्लीकेबल टैक्स इज दिस एंड डेप्रिसिएशन इज दिस, देन लेट अस सी हाउ डेप्रिसिएशन सेलेक्ट एज टैक्स शील्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ठीक है चलिए, पहले केस में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और दूसरे केस में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, व्हेन नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ठीक है जी। चलिए सेल कितनी है, 30 करोड़, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 25 करोड़, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 5। अब इसमें हम डेप्रिसिएशन लेते हैं, डेप्रिसिएशन कितना है एसेट्स पे, जरा एसेट देख लीजिए, 1.5 करोड़ का है, तो यहाँ 1.5 करोड़ लें और यहाँ पर नहीं लें। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया, 3.5 एंड 5, टैक्स है 30% से, तो 30% से आएगा 1.05 और यहाँ पे 1.5, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.45, 3.5। अब इस पर हम डेप ऐड कर दें, ये हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आया। तो आपने देखा कि अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से इस पर टैक्स का हमें बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स भी कम हो गए। देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 0.45, और उतना ही डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन को हम चूँकि एक डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर है जो कि हमें कैश में पे नहीं करना पड़ता है, इसलिए आपको कैश फ्लो जब कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा और एग्जांपल देते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन से क्या इंपैक्ट आएगा वो समझते हैं। चलिए अब ये एग्जांपल है, इसको जरा देखें। सपोज ए लिमिटेड, मतलब
आपने इनकम टैक्स में जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट पढ़ रखा है, अभी हम वही पढ़ते हैं। ए लिमिटेड एक्वायर अ न्यू मशीनरी फॉर 1 लाख, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन WDV मेथड, मशीन हैज एक्सपेक्टेड लाइफ एंड सेल्वेज वैल्यू इज दिस। चलिए, सो अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। हमें इसमें यह समझना है कि अगर हम एसेट्स को बेचते हैं तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो अब हमारी जो मशीनरी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 20,000, तो 80,000 रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर का 16,000, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का 12,800, फिर डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर का 10,240, 40,960, ठीक है। अब ये फिफ्थ ईयर की बिगनिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई हमारी 40,960। हमें पता है कि इस एसेट्स को हम 10,000 में बेचेंगे 5वें साल में, ठीक है। तो यहां पर अब दो केस है मेरे पास। केस वन, व्हेन देयर इज नो अदर एसेट्स इन द ब्लॉक, ठीक है। तो अब आप देखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू फिफ्थ ईयर की बिगनिंग में कितनी है, 40,960। सेल वैल्यू हमारी कितनी है, 10,000। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा 30,960, और इस पर टैक्स सेविंग आएगी 30% से 9,288। याद है मैंने लॉस पे सेविंग करी थी, वही है अभी, ठीक है। केस टू, इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कंसेप्ट हैं। When there is other assets, जब other assets हैं तो written down value fifth year की beginning में 40,960, ठीक है। Sale value 10,000, 30,960। जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस पर लगेगा, क्योंकि अभी और एसेट्स हैं, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6,130,960 पे लगेगा। चलिए, अब इन्हीं दोनों केसेस में इफ सेल वैल्यू इज हायर, तो टैक्स शील्ड की जगह वो आपकी टैक्स गेन आ जाता। गेन आने पे फिर हमारा उस पर टैक्स एक्सपेंसेस आ जाता, ठीक है। तो अभी हमने कैश फ्लो समझा,
और कैश फ्लो समझ के हमने पे बैक पीरियड समझा। अब हम ट्रेडिशनल में ही अगली मेथड समझ रहे हैं, उस मेथड का नाम है ARR। क्या नाम है? ARR। ये दूसरी मेथड है ARR। ARR का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ARR का फुल फॉर्म है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सो ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, और अगर मैं इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हमें दो फॉर्मूले दे दिए इन्होंने, दोनों कर लेते हैं। और एवरेज नेट इनकम अपॉन इनिशियल, दोनों तरीके से फॉर्मूले निकाल क्वेश्चन किए जाते हैं, ये भी किया जाता है ये भी किया जाता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और इससे इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए इन्होंने कहा अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख यील्डिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज एज अंडर। 5 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। सपोज फर्दर दैट द एट द एंड ऑफ द 5 ईयर द प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सोल्ड फॉर 80,000। कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, 5 साल का दिया है। चलिए, सो ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो एवरेज एनुअल नेट इनकम कितनी होगी? ₹92,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? आपकी शुरू में 10 लाख रुपए लग रही है। ठीक है, और बाद में 80,000 रुपये जो स्क्रैप वैल्यू है बचती है 540,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपये। तो अब अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ आएगा 92,000 अपॉन 5,40,000, और यहाँ पर आएगा 92,000 अपॉन 10 लाख। ये आएगा हमारा 9.2%, सॉरी ये आएगा 9.2%, और ये कितना आएगा
ये आएगा हमारा 17%, दोनों फॉर्मूले से हमने कर दिया है, ठीक है। सो ये हमारा ARR है, जो हमने ARR कैलकुलेट किया। अब आ जाता है तीसरा जो कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे कहते हैं हम लोग, वो है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड निकालने से पहले हमको थोड़ा कंसेप्ट देना पड़ेगा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, इसके बाद हम लोग NPV निकालेंगे, ठीक है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस कंसेप्ट को समझें। आपको अगर मैं कहूं कि मुझसे 1,00,000 रुपए आज लेना पसंद करेंगे कि 2 साल बाद, तो आप कहेंगे सर आज ही दे दो, 2 साल बाद क्यों। और अब इसको रिवर्स करते हैं, मुझे आपसे 1,00,000 रुपए चाहिए, तो आप मुझे आज देना पसंद करेंगे कि 2 साल बाद, तो आप कहेंगे कि सर 2 साल बाद ले लेना, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल में उस 1,00,000 रुपए से आप कुछ ना कुछ तो कमा लेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, जो पैसा आज मिलना है उस पैसे की 2 साल बाद जो वैल्यू मिलेगी वो कम होगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये मेरे ईयर हैं, ठीक है। अब और मैं एक काम करता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ले लेता हूँ। अगर मुझे 1,00,000 रुपए आज मिलते हैं इनफ्लोज, तो उनकी कीमत आज 1,00,000 रुपए ही है, लेकिन अगर वो मुझे 1,00,000 रुपए 1 साल बाद मिलते हैं तो उनकी आज की कीमत कितनी है। उनकी आज की कीमत है 1,00,000 / 110%, ₹90,909। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इसको, मतलब आप 1 साल बाद मुझे 1,00,000 रुपए दो या आज 90,909 रुपए दे दो, एक ही बात है। इसका मतलब है ये 1,00,000 रुपए मेरी फ्यूचर वैल्यू है जो एक साल बाद मिलेगी, और ये मेरी 90,909 रुपए ये क्या है, मेरी प्रेजेंट वैल्यू है जो आज की वैल्यू है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+i इंटरेस्ट की पावर n, और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू 1+i की पावर n। अगर मैं कहूं कि मुझे 90,909 रुपये आज मिले हैं और मैं इसे 10% पर 1 साल के लिए लगाना चाहूं, तो ये 1 साल बाद की वैल्यू कितनी होगी, 1,00,000 रुपये, सही है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने किया नहीं। तो जब हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू को जब हम प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं इसी को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। सही है। चलिए अब अगर यही चीज में 2 साल बाद मिलते 1,00,000 रुपए तो उनको हम कैसे निकाल सकते थे, 1,00,000 1+ पावर 2
अगर 1 लाख रुपए मुझे 3 साल बाद मिल रहे होते तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती? 1 लाख, ठीक है, सिमिलरली। तो इस तरीके से हम जो बाद में पैसा आना है उस सब को आज की डेट में जीरो जीरो पीरियड पर ले आते हैं और उससे हमारा पता चलता है कि भाई इसमें क्या प्राइसिंग आनी है। इससे हमें पता चलता है कि जीरो पीरियड पर मेरी क्या इनफ्लोज हैं और क्या आउटफ्लोज हैं। तो जब हम बाद वाले पैसे को आज के पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्काउंट करना। अब जब मैं पढ़ी रहा हूँ तो इसमें मैं एक चीज़ और कंसेप्ट बता देता हूँ एन्यूटी का। एन्यूटी का मतलब है ये 1-1 लाख रुपए जो हैं वो सारे अलग अलग सालों में आने हैं। अब एन्यूटी का मतलब है 1 लाख रुपीस इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम ईयर 1 to ईयर 5, मतलब हर साल 1-1 लाख रुपए आना है। अब ऐसी अगर 1-1 लाख रुपए आना है यानी कि टोटल कितना आएगा, मैं ईयर ले लूँ 1, 2, 3, 4, 5 और कैश फ्लोज कितने हैं, 1 लाख पहले साल में, 1 लाख दूसरे साल में, 1 लाख तीसरे साल में, 1 लाख चौथे साल में, 1 लाख पांचवें साल में, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट है वो मैंने मान लिया 10% है। तो पहले साल का पीवी फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो 1 / 1.1 / 1 दैट इज 0.909। इसी तरीके से 1 / 1.1 / 2 0.826, 1 / 1.1 / 3 0.751, फिर 1 / 1.1 / 4 तो ये आएगा 683 एंड लास्ट वाला 1 / 1.1 / 5 तो ये आता है 621, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 90,909, 826,00, 751,00, 683,00, 621,00, ठीक है। यह आएगा 379,000। जो 5 साल में 5 लाख रुपए आने हैं वो उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 379,000 है। इसका दूसरा तरीका ये है जो सिंपल तरीका है, व्हेन कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म। जब कैश फ्लो यूनिफॉर्म है 1-1 लाख रुपए ही आना है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ठीक है, विच इज ये इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा 3.79। तो ये प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर है 10% का 5 ईयर्स का। तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख को 3.79 से, सीधा 379,000 आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके की ट्रिक्स यूज़ करते हैं तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा।
लेकिन एन्यूटी फैक्टर तभी लगेगा जिन पीरियड में कैश इनफ्लोज आपके कांस्टेंट हैं। क्लियर है ना? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू समझाया और प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर भी समझा दिया, टाइम वैल्यू मनी समझाया, जिससे कि अगर भविष्य में कोई पैसा आना है उसकी आज वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की। इन मेथड्स को हम एक बार में ही समझ लेते हैं, फिर इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है? सो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी मेथड, ये डिस्काउंटिंग मेथड की पहली मेथड है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज सॉरी ये नेगेटिव के केस में है, ठीक है, सही है। इफ प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले के हिसाब से चलिए एक काम करते हैं, इसको ऊपर इनफ्लो ले लेते हैं, नीचे आउटफ्लो ले लेते हैं, ठीक है? तरीका सही वही है, यहाँ इनफ्लो कर दीजिए, और यहाँ पर आउटफ्लो कर दीजिए, ठीक है? ये है इनफ्लो और ये है आउटफ्लो। तो अब अगर प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब है कि इनफ्लो आपका ज़्यादा है और आउटफ्लो कम है, सो हम क्या करें, एक्सेप्ट कर लेंगे प्रपोजल को। इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब आना तो कम है और जाना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रपोजल हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, सही है? प्रपोजल को आप रिजेक्ट कर दें। जब इनफ्लोज आपका कम है आउटफ्लो ज़्यादा है तो रिजेक्ट ही करना चाहिए। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू एक्सेप्टेंस रूल दे रखा है, यहां पे तीसरा रूल भी दे रखा है, इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जीरो, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, सो वी मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसमें। तो ये तीन केस हमने समझे। अब इसी से मैं अगला कंसेप्ट समझता हूँ, वो हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नंबर, इसकी दूसरी मेथड, वो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसी को हम डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, इसी को हम प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी कहते हैं,
ठीक है. सो पी आई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो क्राइटेरिया क्या है? इफ पी आई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ पी आई इज लेस देन वन, इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज, तो हमें रिजेक्ट कर देने चाहिए प्रपोजल को. सही है. अब इन कंसेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लें तो वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा. चलिए तो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं. ये क्वेश्चन पढ़ें, क्या लिखा है? कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विथ अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड फॉलोइंग कैश फ्लोज इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज दिस. ओके, तीन साल के ये दे रखे हैं. चलिए, सो आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, ये 1 लाख रुपए. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हमें निकालना है, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे. ईयर लिखेंगे, कैश इनफ्लोज लिखेंगे, पीवी फैक्टर लिखेंगे जो 10% पे है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज लिखेंगे. ठीक है, सो ईयर 1, 2, 3 पहले साल में हमारा 55,000 है, दूसरे साल में 80,000 है और तीसरे साल में 15,000, 9,09,826,751. ठीक है, तो इनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो यह आ जाएगा 4,995,66,080,11,265,127,340. ये हमारा आया 127,340. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 127,340 - 1 लाख, दैट इज 27,340. और ये पॉजिटिव है तो क्या करना चाहिए? सो एक्सेप्ट कर लें प्रपोजल को. क्लियर है? yes. तो ये क्वेश्चन था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगर इसी में हमें पीआई निकालना हो तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली है. पी आई इज इक्वल टू क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. सिंस पी आई इज ग्रेटर देन 1, वी में एक्सेप्ट द प्रपोजल. हम प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं. डन, डन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
एनपीबी का ही क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ चार प्रोजेक्ट्स हैं, चार प्रोजेक्ट की हमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज निकालने हैं, तो कर लेते हैं। अब समझ तो गई है, एबीसी लिमिटेड इज स्मॉल कंपनी दैट इज करेंटली एनालाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल फॉर द पर्पज ऑफ इक्विपमेंट, दैन कैपिटल बजट इज लिमिटेड टू 5 लाख रुपीज, विच एबीसी बिलीव्स इज द मैक्सिमम कैपिटल इट कैन रेज, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज इज दिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी है वो कितनी है, दे रखी है, ठीक है। अब आपको चारों प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, ए बी सी डी, पीवी फैक्टर निकाल लेंगे हम 12% पे, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर और यहां लिखेंगे ईयर। कैश आउटफ्लो ये हमारा 0 ईयर में, और कैश इनफ्लोज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पीवी फैक्टर 0 ईयर में तो 1.01, फिर 893, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करते जाओ आता जाएगा 797, 712, 636, 567, ठीक है। आउटफ्लो लिख दें 2,91,000, दो पचास और 2,10,000। इनफ्लोज हमें दे रखे हैं, अब एक तरीका यह था कि हम मल्टीप्लाई करके इनफ्लोज लिखें, दूसरा तरीका है कि हमें इनफ्लोज दे रखे हैं सीधा मल्टीप्लाई करके हम प्रेजेंट वैल्यू लिखते जाएं। सो 50,000 में जब हम 893 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी 44650, मैं एक करके बता देता हूँ, एक साल का यहाँ पर आएगा 35720, 40,000 × 0.893, फिर है 6675,000 × 0.893 एंड 75,000 इसी तरीके से सारे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 39,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ये आ जाएगी हमारी 180,250। इसी तरीके से इसको लिखें 3949840 4770
425225. 215635. ठीक है, 59775 42720, 50880. तो ये आ जाएगी हमारी 277050 एंड 6 59775 42720 25440 11340 206250. ठीक है फ्रेंड्स, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू -19750 25635 27050 एंड -3750. तो अब ये नेगेटिव्स हैं और ये पॉजिटिव हैं, तो जो पॉजिटिव हैं इन्हें एक्सेप्ट करें और इन दोनों को क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें. अब अगर हम पे पीआई निकालना चाहूँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, 180250 अपॉन 2 लाख, 215635 अपॉन 1,90,000, 277050 अपॉन 2,50,000, 206250 अपॉन 2,10,000. सो इसका देखें, यह है हमारा 0.9821 या 1.1082 या 1.1349 और ये हमारा 0.90125. अब इससे आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी कम है लेकिन इसकी पीआई ज़्यादा है. इसका मतलब ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बजाय प्रोजेक्ट सी से. तो हर मेथड का एक अलग इंटरप्रिटेशन है, एक अलग पर्पस है. ठीक है, पीआई का अलग बेनिफिट है और इसका अलग बेनिफिट है. चलिए पीआई का एक क्वेश्चन और करते हैं. इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट, आउटफ्लो दे रखा है और इनफ्लोज भी दे रखा है. अब आपसे पूछा है कि आप इनकी पीआई निकाल दीजिए. ठीक है, कर देते हैं इनकी पीआई. ये प्रोजेक्ट 1 है, ये प्रोजेक्ट 2 है और ये प्रोजेक्ट 3 है. कैश इनफ्लोज, इसकी प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 6,50,000, 95,000, 1,30,00,000. प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लो भी दे रखे हैं, इसका 5,50,000, इसका 75,000 और 1,20,00,000. नेट प्रेजेंट वैल्यू देखें तो ये 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन करने पर सिर्फ 10,000 रुपये कमा के दे रहे हैं. ये 75,000 की कॉस्ट लगा के 20,000 कमा के दे रहे हैं और ये 1,00,000 रुपये कमा के दे रहे हैं. तीनों ही पॉजिटिव हैं तो तीनों ही कर सकते हैं. ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कह रही तीनों कर लो. लेकिन अब हमें पीआई बताएगा कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है.
तो अब आप देखेंगे पीआई से क्लियर हो रहा है कि हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है उसकी पीआई 1.27 है। दोनों ही तीनों प्रोजेक्ट पॉजिटिव हैं, बट तीनों प्रोजेक्ट पॉजिटिव होने का मतलब नहीं है कि आप 1 करोड़ वाला करें। पता है 1 करोड़ का इनफ्लो आउटफ्लो किया, 10,000 रुपये बचे, क्या फ़ायदा ऐसा काम करने से। तो ये सारे मेथड्स इसीलिए दी गई हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारी है आईआरआर। आईआरआर अपने आप में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही नहीं आपको आगे भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे आईआरआर। सो आपने पीआई पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं आईआरआर। चलिए, आईआरआर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फ्रेंड्स, आईआरआर क्या होता है? इसको मैं एक बड़ी सिंपल तरीके से समझाता हूँ, किताबी पाते हैं आप पढ़ लेना। आईआरआर इज द डिस्काउंटिंग रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाती है? 0 हो जाती है। इसका मतलब है IRR is the discounting rate at which present value of cash inflow किसके बराबर हो जाता है? present value of cash outflow की, ठीक है, दोनों बराबर हो जाते हैं। अब कैसे निकलते हैं IRR, इसको समझना है। नॉर्मली आपके पास अलग अलग कैश फ्लोज दे रखे होंगे। सो आईआरआर कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन क्या होती है समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए आपकी कैश आउटफ्लो ये आपका है 1 लाख रुपए। अब कैश फ्लो, कैश इनफ्लोज आपके बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग हैं, तो मैंने निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 10% पे है 1,17,050 और प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज मैंने 15% पे निकाला, दैट्स कम्स टू 97,010। ये मैंने सब आर्टिफिशियल फिगर लिए हैं। पर्पज क्या है कि मैं कैश इनफ्लोज की एक तो ऐसी फिगर लूं जो आउटफ्लो से ज़्यादा हो और एक ऐसी फिगर लूं जो आउटफ्लो से कम है। इसका मतलब क्या है कि 10% पर मेरी वैल्यू आ रही है 117,050 और 15% पर मेरी वैल्यू आ रही है 97,010। और मुझे निकालना है ये डिस्काउंटिंग रेट है, और मुझे वैल्यू निकालनी है 1 लाख, क्योंकि ये अगर मेरी 1 लाख रुपए की इनफ्लोज आ गई तो वही मेरा आईआरआर है। तो वो आईआरआर मेरा 10 और 15 के बीच में ही कहीं पर होगा, सही है कि नहीं? तो वो कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका क्या है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज
at lower level, giving positive net present value. Now calculate present values of cash inflows at higher level, giving negative net present value. So IRR exists between these two level. Sahi hai ki nahi? So interpolation method kya kehti hai? Interpolate kar deti hai. IRR is equal to lower rate, 10% ka le lenge, plus present value of cash inflows, kiski lower wale ki, minus present value of cash outflows upon present values of cash inflows lower wale ki minus present value of cash out inflows higher wale ki, and higher minus lower. ये फॉर्मूला लगेगा अगर मैं इसको अप्लाई करूं. सो 10% प्लस 117,050 माइनस 1,00,000 अपॉन 117,050 माइनस 97,010 एंड 15 माइनस 10. ठीक है जी. सो 10% प्लस 17,050 अपॉन 14.25% IRR. ठीक है. नाउ द लोअर इज द रेंज ऑफ हायर रेट एंड लोअर रेट. द एक्यूरेट IRR विल बी कैलकुलेटेड. जितनी ज़्यादा रेंज होगी, जैसे ये 15 और 10 है, अगर ये 14 और 16 होती तो फिर आपको और एक्यूरेट 14 पॉइंट हो सकता है. ये निकलता 14.21 या 14.19 कहन. लेकिन इससे इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपने दो रेंज लेनी है. एक रेंज से आप निकाल लीजिए जिसमें पॉजिटिव आ रहा है एनपीवी, फिर दूसरी रेंज थोड़ी बड़ी करके निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये सारी कैलकुलेशंस बार बार करते रहें. ठीक है. तो आप दो रेंज बड़ी ले लीजिए, उनके बीच में आप कर दीजिए. आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ है IRR का. चलिए अब हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे. पढ़िए. ए लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटफ्लो ऑफ 10,00,000 रिजल्टिंग इन एनुअल कैश इनफ्लोज ऑफ 2,50,000 फॉर 6 ईयर्स. 6 साल तक 2,50,000 आना है. Assuming salvage value of the project is 0, determine the IRR of the projects. अब मुझे ये नहीं पता, और 2,50,000 लगातार 6 साल आना है तो मैं एनुटी फैक्टर यूज़ कर सकता हूँ. उसमें बताया था मैंने आपको, ठीक है. सो मैं एनुटी फैक्टर यूज़ करूँगा.
इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि हम पहले पेबैक पीरियड निकाल लें और पेबैक पीरियड से ये देख लें कि वो पेबैक पीरियड हमारे एंड टेबल में कहाँ आ रहा है। चलिए मैं इसका भी आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे टेबल निकालनी होगी। चलो मैं निकालते हैं टेबल। ये हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स की टेबल निकाल ली। एनुटी फैक्टर्स निकाल लिया। सो तरीका क्या है इसको ये समझ लें। शॉर्टकट तरीका, हमारे पास 10 लाख रुपए का आउटफ्लो है और 2.5 लाख रुपए हमारे को पर ईयर आने हैं। सो कैश आउटफ्लो इज 10 लाख रुपए, कैश इनफ्लो ये हमारा कितना है 6 ईयर्स तक। तो पहले हम निकालेंगे पे बैक पीरियड कितना है। ये आ रहा है 4। ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम रेट निकाल सकें आसपास कहां पर है। अब इन पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यूटी एनुटी फैक्टर टेबल सर्च इन 6 ईयर रो, 6 साल की रो में ढूंढो। तो 6 साल की रो में देखेंगे आप एनुटी फैक्टर देखना है, क्यूमुलेटिव फैक्टर नहीं देखना है। ये आपकी एनुटी फैक्टर आ गई PVIFA प्रेजेंट वैल्यूटी। अब आप देखिए 6 साल में जो 4 वैल्यू आ रही है वो किसके बीच में आ रही है। गौर से देखो, ये यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। 12% पे आ रही है 4.111 और 13% पे आ रही है 3.998 आ रही है। सो 12% पे आपकी 4.111 एंड 13% पर है 3.998। हमें चाहिए एग्जैक्ट 4। इसका मतलब है IRR आपका इन दोनों के बीच में ही है। क्लियर है ना। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 12% पर 6 ईयर का हम लेते हैं तो 2,50,000 इंटू 4.111। सो दिस कम्स टू हाउ मच, टेन लैख 27,000 और प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज 13% पे 6 ईयर का ये आ जाएगा आपका 2,50,000 इंटू 3.998 9,99,500। इसमें आपकी पॉजिटिव आ गई और इसमें आपकी नेगेटिव आ गई
और आप देखिए गौर से, रेंज बहुत कम है, और जब रेंज कम होगी तो एक्यूरेट IRR आएगा. सो नाउ IRR यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड करें क्या होगा. IRR इज इक्वल टू लोअर रेट 12% प्लस 1027750 माइनस 10 lakhs. 1027750 माइनस 13% माइनस 12%, ठीक है. तो ये आएगा हमारा 12.98%. और आप देख ही रहे थे 13% 3.998 है, तो थोड़ा सा कम करेंगे तो ये आपका 12.998% आ जाएगा. मज़ा आया? यस. ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं अननेसेसरी. एक बुक्स का भी थोड़ा गलत कहता हूँ मैं, सिंपल तरीके से करवा लो. चलिए अब इसका IRR हम निकालेंगे. देखिए इनफ्लोज दे रखे हैं और आउटफ्लोज दे रखे हैं, ठीक है. अब हमें ये नहीं पता क्या रेट्स आएंगे, तो अब चूंकि वहाँ पर एक इक्वलेट सेम था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो हम ट्रायल बेसिस पे कर लेते हैं, ठीक है. चलिए कैश आउटफ्लो क्वेश्चन में दे रखा है 1,36,000. तो अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोस. ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस है. यहां पे लिखेंगे हम ईयर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. और यहां पे लिखेंगे हम कैश फ्लोस. तो कैश फ्लोस हमारे दिए हैं 30,000, 40,000, 60,000, 30,000 और 20,000, ठीक है. अब हमें ऐसी रेंज लेनी है कि एक पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए, ठीक है. एक पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए. तो एक हम 10% पे लेते हैं, उससे हमें पता चलेगा पीवी 10% पे. तो 10% का पीवी आएगा आपका 0.909, 0.826. कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना तो अब ये आपको 5 साल के तो याद ही हो जाया करेंगे, इतनी बार ही आ जाएगा. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस ये आ जाएगा आपका 27270, 33040, 45060, 20490. इसका टोटल आ रहा है 138280. अब आप देखिए मात्र 2,000 रुपये का फर्क है, तो अब ज़्यादा नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप 2-3% बढ़ा दीजिए तो इतनी वैल्यू आ जाएगी. चलिए मैं 2% बढ़ाता हूँ. प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं अब हम 12% पे. सो 12% के जो रेट हैं वो 893, 797, 712, 636, 567, ठीक है. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 26790, 31880, 42720, 19080, 11340, 131810, ठीक है ना. गौर से दिख रहा,
तो ये नेगेटिव आ गया, 11% में भी पॉजिटिव नेगेटिव ही आता, बट मैंने थोड़ी बड़ी रेंज ले ली जिसमें श्योर हो गया। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यही चाहिए। सो IRR इंटरपोलेशन मेथड से करेंगे, लोअर रेट प्लस 138 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आएगा 10.70%। ठीक है, और जब 10.70% आया तो इससे पता चल गया कि 11% पे भी अगर हम निकालते तो निगेटिव नहीं होता। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये IRR का क्वेश्चन हमने किया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। IRR का ही है, पढ़ते हैं। अ कंपनी प्रपोज टू इंस्टॉल मशीन इन्वॉल्विंग अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ ₹360,000। द लाइफ ऑफ मशीन इज 5 years एंड इट्स सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ इज nil। लाइफ 5 साल है, ठीक है। मशीन विल प्रोड्यूस नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिशिएशन इज 68,000। द कंपनीज टैक्स रेट इज 45%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं 5 सालों के, क्यूमुलेटिव फैक्टर है मतलब ये एन्यूटी फैक्टर दे रखे हैं, हमसे IRR निकालने के लिए बोला गया है। चलिए तो आप समझ तो गए ही हैं कि निकलेगा कैसे। चलिए सो फ्रेंड्स प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज कितना है, 3,60,000। ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दे रखा है 68,000 है, टैक्स परसेंटेज कितना है 45%, 30,600, 37,400 ये हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे 5 साल का लाइफ के साथ में 72,000। ये हमारा एनुअल कैश फ्लोज आ जाएगा 109,400। मैंने आपको बताया था कि जब कंसिस्टेंट कैश फ्लो आता है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक पे बैक पीरियड निकाल लेते हैं। 3,60,000 109,400 कितना आ रहा है, 3.29 फ्रॉम गिवन डाटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये डाटा गिवन है ना, तो 3.29 हमारा जो 15% और 16% के बीच में फॉल करता है। ठीक है, इट लाइज बिटवीन 15% एंड 16%। 15% पे 5 years का जो क्वेश्चन में दिया है वो 3.35 है और 16% पे 5 years का वो है 3.27। इससे बना तो ये हमारे बस अब निकाल लीजिए। ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 109,400 into 3.35, दिस कम्स टू 366,490। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 16% पे 5 साल का 109,400 into 3.27, दिस कम्स टू 357,738। ठीक है, सो नाउ IRR
interpolation method से lower rate plus 36490 minus 36690 minus 15.74%। तो मुझे अब लग रहा है कि आपको IRR बच्चों जैसा लगने लगा होगा। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग IRR कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, IRR कैलकुलेट करना तो हमने सीख लिया, लेकिन IRR की एक्सेप्टेंस रूल अब हमें समझनी है। सो इफ IRR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल और WACC और कट ऑफ रेट, तो एक्सेप्ट कर लें। एंड इफ IRR इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और WACC और कट ऑफ रेट, तो क्या करें आप, रिजेक्ट करें प्रपोजल को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने अब IRR सीखा। अब IRR के बाद हम सीखेंगे MIRR, चौथी मेथड। अब हम सीखेंगे MIRR। MIRR, MIRR को हम बोलते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें क्या करते हैं, IRR में हम सबको IRR में हम क्या करते हैं, फ्यूचर कैश इनफ्लोज को कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज में। MIRR में हम जो भी कैश इनफ्लोज होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर वैल्यूज इन टर्मिनल ईयर में। कहना क्या चाहते हैं कि MIRR में सारे कैश इनफ्लोज को आप लास्ट ईयर में ले जाते हो। मैं थोड़ा पढ़ के दिखा देता हूं। अंडर MIRR मेथड अर्लियर कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एंड फाइंडिंग आउट द टर्मिनल वैल्यूज, ठीक है। सो MIRR इज द रेट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू इक्वल द आउटफ्लो। सो MIRR क्या करता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल या फ्यूचर वैल्यूज ऑफ ऑल इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज MIRR पे। इसको एक करके समझाना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगा। चलिए
एक एग्जांपल ले लेते हैं, MIRR का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,36,000 यील्ड द फॉलोइंग कैश इनफ्लोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैश इनफ्लोज है, हमें MIRR निकालना है। चलिए ठीक है जी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या है, 1,36,000। अब हमें निकालना है पहले तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज इन टर्मिनल ईयर या लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की वैल्यू निकालेंगे। यहां लिखेंगे हम ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और यहां लिखेंगे हम कैश फ्लोज। कैश फ्लोज है हमारा 30,000, 40,000, 60,000, 30,000 और 20,000। अब अगर मैं 30,000 को 8% से इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे पांचवें साल में कितने साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पीरियड 2 इन्वेस्ट, इसमें हम ये 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, इसमें 3 साल के लिए, इसमें 2 साल के लिए और इसमें 1 साल के लिए और इसमें 0 ईयर के लिए। इसका मतलब है कि 8% से अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू एट द रेट ऑफ 8%, 1 रुपए को 8% से इन्वेस्ट करो 4 साल के लिए। तो अब यहां पर 1 रुपए को, एनुटी नहीं, 1 रुपए को, ये आपका है 1 रुपए। जब 8% से हम 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है 1.36। ठीक है, 2 साल, 3 साल के लिए 1.26, फिर 1.166, 1.08 एंड 1। सो ये आएगा हमारा 1.36, 1.26, 1.166, 1.08 एंड 1। इनको जब 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे 1 रुपए तो 1.36 बन जाएगा। सो कैश फ्लोज इन फिफ्थ ईयर, पांचवें साल में क्या आएंगे, मल्टीप्लाई कर दें 30,000 इंटू 1.36, सी ये होगा 40,800, 40,000 इंटू 1.26, 50,400, 60,000 इंटू 1.166, 69,960, 30,000, तो ये 32,400 और ये 20,000। तो ये सारे पैसों को जोड़ें तो ये पैसा हमें लास्ट ईयर में मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करके रखते जा रहे हैं, तो 213,560। अब जिस रेट पर ये मेरी आउटफ्लो के बराबर हो जाए वो मेरा डिस्काउंटिंग रेट है। सो MIRR इज द रेट
at which future values of cash inflows is equal to present value of cash outflows. That is 1,36,000 upon 213,560. ये देखने पे पता चलता है तो कितना आता है, ये आ रहा है हमारा 0.6368 फ्रॉम पीवी फैक्टर टेबल इन फिफ्थ ईयर, पांचवें साल की जब हम टेबल देखते हैं, कौन से साल, पांचवें साल की पीवी फैक्टर। तो अब हमें देखना है कि कितने परसेंटेज रेट पे ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू टेबल है। तो पांचवें साल में देखिए वो रेट जो हमारा 6368 के बराबर आ रहा है, तो 9% पे आता है 645, ठीक है, 9% पे आ रहा है हमारा 645। और ये हमारा 636 के थोड़ा नियरेस्ट है, दिख रहा है आपको, पांचवें साल में देखेंगे और 9% पे। सो फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टेबल we find that at 9% fifth year value is approximately 650, so MIRR is 9%. Kyun? Present value of cash inflows into MIRR PV factor, ये किसके बराबर होगा, present value of cash outflow के, MIRR निकालना होता है, तो कितने परसेंटेज पे वो हमारा आसपास आएगा, तो वो 650 हमारा 9% के आसपास आ रहा था। और एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं बट दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट और बचा है, वो है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सो हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड करते हैं और फिर ये हमारे सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो, ठीक है। सो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में सिमिलर है, वी कैलकुलेट क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड एट विच पीरियड present value of cash inflows equals to present value of cash outflow, this is our discounted payback period। example लेते हैं, suppose cash outflow हमारा है 30,000 एंड एनुअल कैश इनफ्लो ये हमारा 6,000 है। सो पेबैक पीरियड कितना हुआ,
30,500, लेकिन इसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं लिया, ठीक है। नाउ लेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, सो अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालेंगे। 1 यहां पे लिखेंगे हम ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये है हमारे कैश इनफ्लोज, तो ये 6,000 10 साल तक। पीवी फैक्टर निकालेंगे 10% पे, 5 साल के तो याद ही हैं आपको, 0.909, आगे के भी लिख लेते हैं, 0.564, 0.513, 0.467, 0.424, 0.386, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकल जाएगी, मल्टीप्लाई करें 6,000 इंटू 0.909, 5,454, 0.826, तो यह हमारा 4,956, 0.751, तो यह हमारा 4,506, 683, सो 4,098, 621, 3,726, 564, 3,384, 513, 3,078, 467. 6,000 इंटू 467 कितना होता है, 2,802, 2,544, सो दिस केस एंड 2,316। अब हम निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, सो 5,454 प्लस 4,956, 10,410 प्लस 4,506, 14,916 प्लस 4,098, 19,014 प्लस 3,726, 22,740 प्लस 3,384, 26,124 प्लस 3,078, 29,202 प्लस 2,802, 32,004 प्लस 2,544, 34,548 प्लस 2,316, तो 3,6864, ठीक है। सो ये हमारा
टू और ये थ्री। अब गौर से देखें, हमारा है आउटफ्लो कितना 30,000, तो हमारे 7 साल तक तो हो गया 29,202। सो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होगा, 7 साल तो हो गए प्लस 30,000 माइनस 29,202 अपॉन 3,200,2,802 एट्थ ईयर का। सो दिस कम्स टू 30,000 माइनस 29,202 डिवाइडेड बाई 2,802 इंटू 12। सो ये हमारा आता है 7 ईयर्स, तो ये आता है हमारा 7.2847 ईयर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आया। अब चलिए, पे बैक पीरियड की बात चली रही है तो एक हमारा पे बैक रेसिप्रोकल कंसेप्ट है उसको और बता देता हूँ मैं। ठीक है, और फिर इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, बट इस लेक्चर एक ही लेक्चर में हमने सारे कंसेप्ट कवर कर दिए। सो फ्रेंड्स, पे बैक रेसिप्रोकल होता है एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज अपॉन इन्वेस्टमेंट। पे बैक का जस्ट उल्टा पे बैक रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, या जो भी समझे। चलिए, तो हमने कैपिटल बजटिंग में अभी सारी मेथड समझी हैं। ठीक है, इनके एप्लीकेशन समझे हैं इलस्ट्रेशन के साथ। अब हम अगले लेक्चर में कुछ एडिशनल और टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे, टेक्निकल कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।